हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर कबूतर पालने की आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, कि आप अपने कबूतर जो भी मार्केट से ख़रीद कर लाए हैं तो आप उस कबूतर को, उसके पंख को काट दीजिए या फिर उसके पंख को निकाल दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं पूरा शुरू से अंत तक इसी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो देखिए लगातार दोस्तों, आपको बहुत ही फायदा होगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। कबूतर के पंख कैसे काटते हैं या फिर कबूतर के पंख कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। मैं बहुत ही अच्छे ढंग से धीरे धीरे समझाने का पूरा कोशिश करूँ। दोस्तों, आप ये जो कबूतर देख रहे हैं, ये कबूतर, इसके मैं पंख काटूँगा और इसके पंख कैसे निकालते हैं वो भी मैं दिखाऊँगा दोस्तों। दोस्तों, ये कबूतर बहुत ही प्यारा कबूतर है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसकी आँखें देखिए दोस्तों, आपको मैं करीब से दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसकी आँखें बहुत ही खूबसूरत आँखें हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह करना चाहते हैं तो आप इस कबूतर के पैर को आप सबसे पहले इस तरह बांध दीजिए, ताकि वह कबूतर के पंख काटते समय यह भाग ना सके दोस्तों। तो मैंने इसके पैर को बांध दिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, और इसके पैर में धीरे धीरे काटूंगा दोस्तों, सॉरी पंख। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके पंख में काटने वाला हूँ, आप देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका पंख काटने वाला हूँ इस तरह, इसके पंख में काटने वाला हूँ। सॉरी सॉरी, फोन को गिरा दिया झटके से। ये देखिए दोस्तों, इसके पंख में कैसे काटता हूँ आप ही देख लीजिए। पंख काटने से पहले दोस्तों, इसके दो पंख, इसे छोड़कर, ये जो दो पंख है इसे किनारे वाला को छोड़कर, बाकी ये सारे पंख को काट दीजिए। और यह पंख दोस्तों 10 दिन बाद आप इसके पंख को इस तरह निकाल भी सकते हैं, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ कैसे निकालते हैं। और इसके पंख 2 महीने में यह लगभग पूरा जम जाता है दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। जब भी मैंने कबूतर पालने की शुरुआत की थी तो उसके पंख को मैंने काट दिए थे या फिर निकाल दिए थे दोस्तों, और वह जम गया, पूरी तरह जम गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसके पंख को इस तरह काट दिए। ये देखिए दोस्तों, इसके पंख काट दीजिए अगर आप नए नए कबूतर पालने की शुरुआत कर रहे हैं तो। ये देखिए दोस्तों, केवल मैं 2 पंख किनारे का छोड़ूंगा दोस्तों, ताकि उठ सके और बैठ सके अपने घोंसले में। ये देखिए दोस्तों, इसके पंख इस तरह काटे जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसके पंख नहीं निकालेंगे तो इसके पंख नया जमने में, उगने में बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो आप इसके पंख जल्दी से जल्दी निकाल लीजिए, तभी आपके नए पंख उड़ेंगे और 2 महीने में आपके घर को भी यह कबूतर पहचान जाते हैं दोस्तों। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कबूतर के पंख कैसे निकालते हैं। कुछ भाई ने कमेंट में जो हमसे पूछे थे कि भाई कबूतर के पंख कैसे निकालते हैं या कबूतर के पंख कैसे काटते हैं दोस्तों, तो इसीलिए मैंने उनके रिक्वेस्ट पे मैंने यह वीडियो बनाया दोस्तों। दोस्तों, मैं हमेशा मदद करता हूँ दोस्तों, जो भी भाई हमसे कमेंट में जो भी सवाल करते हैं उसका जवाब ज़रूर मैं देता हूँ दोस्तों। इसीलिए आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में क्वेश्चन पूछिए दोस्तों। दोस्तों, मैं इसका पंख कैसे निकालते हैं वो भी आपके सामने लाइव दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसको पैर जरूर बांध दीजिए और इसको इस तरह पकड़ लीजिए दोस्तों। यह बहुत ही, ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं इसके पंख में निकालने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके पंख इस तरह पकड़िए और इस तरह
खींच लीजिए, ये देखिए दोस्तों इस तरह पंख निकाल दीजिए। आप सोच रहे हो कि इसके इस कबूतर को दर्द हो रहा है, जी हाँ दोस्तों थोड़ा बहुत तो होता ही होगा, पर उतना नहीं होता है दोस्तों, पर होता ज़रूर है। ये देखिए दोस्तों इस तरह पंख निकालते जाइए, बस हल्के से सीधे इस तरह खींचिए, अरे निकल जाएगा सीधे सीधे। ये देखिए दोस्तों इस कैंची को मैं साइड कर देता हूँ दोस्तों, और इस तरह इसके पंख को कर दीजिए, और इसके पंख को इस तरह घिसते चल जाइए, इसके पंख इस तरह निकालते जाइए, या आसानी से निकल जाएंगे दोस्तों। सिर्फ सिंपल सा, ज़्यादा इसमें ताकत नहीं लगाना है, और यह निकलते चल जाएंगे इसी तरह दोस्तों। एक एक करके आप निकाल दीजिए, पर हाँ दोस्तों याद रखिए एक बार में तीन चार इस तरह नहीं कवारना है, एक एक पंख पकड़ कर इस तरह कवारना है, ताकि इस कबूतर को उतना दर्द न हो दोस्तों। ज़्यादातर मैं आपको कहूँगा कि आप कबूतर पालने की शुरुआत कर रहे हैं, तो ज़्यादातर आप प्रीफर कीजिए कि इसके पंख को आप निकाल दीजिए या खींच दीजिए, इस तरह खींच दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा इस तरह खींचते चल जाइए, और यह निश्चित है एकदम 2 महीने में नया पंख निकल जाएंगे दोस्तों, और आपका कबूतर 2 महीने में घर को पहचान भी जाएंगे दोस्तों, तो इसीलिए पंख कवारा जाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों छोटे छोटे ये सारे नहीं कवारे जाते हैं, और जो बड़े होते हैं पंख इसको कवारे जाते हैं इस तरह दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, और ये दो पंख छोड़कर इस साइड का और उस साइड का भी, तो दोस्तों मैंने इसके पंख एक तरफ कवार दिए और एक तरफ निकाल दिए दोस्तों। तो मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा दोस्तों इसके पंख निकाल दीजिए, ताकि यह इसके पंख 2 महीने में उगाते हैं, और 2 महीने में आपके घर को अच्छे ढंग से पहचान भी जाते हैं दोस्तों, तो आप इसी को प्रीफर कीजिए। इसके पंख मैंने काटे हैं दोस्तों, इसको अगर नहीं पंख निकालेंगे तो इसके नए पंख उगने में बहुत समय लग जाएंगे दोस्तों, इसीलिए मैं इसके पंख जो काटा हूँ ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए इसके पंख काटे थे दोस्तों। अब मैं इसके पंख को निकाल दूँगा, ये देखिए दोस्तों आसानी से निकल जाते हैं दोस्तों, सिंपल। ये देखिए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहूँगा, आप भी मेरी सपोर्ट कीजिए दोस्तों, तभी मैं आपको सपोर्ट करूँगा। चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, तभी मैं आपका सपोर्ट कर पाऊँगा दोस्तों। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। भाई आपके मन में जो भी सवाल पूछना है वो आप कमेंट में पूछ दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। ये देखिए दोस्तों इसके भी दो इस तरह दो कली मैंने छोड़ दिए हैं, और यह कबूतर देखिए दोस्तों पंख निकालने के बाद इस तरह हो जाता है, आप देख सकते हैं दोस्तों पंख निकालने के बाद ये कबूतर इस तरह हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों अब ये कबूतर उड़ेंगे नहीं दोस्तों, ये आप कबूतर 2 महीने बाद ही उड़ेंगे, इसके सारे पंख 2 महीने बाद गारंटी है वो आ जाते हैं, और यह आपके घर को भी पहचान देंगे। यह टेक्निक उनके लिए है दोस्तों जो अभी अभी कबूतर पालने की शुरुआत कर रहे हैं, और वह मार्केट से नया कबूतर खरीद कर लाए हैं दोस्तों। यह टेक्निक्स आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ दोस्तों, यह टेक्निक बहुत कम लोग बताते हैं। अगर आप खासकर मार्केट से कबूतर खरीद कर लाते हैं तब आपको यह जानकारी जल्दी नहीं बताएगा कोई दोस्तों। मैंने भी कबूतर पालने की शुरुआत की थी, तो मुझे भी जहाँ से मैं कबूतर खरीदता था वो भी मुझे जानकारी नहीं देता था, जिसके कारण मेरे कबूतर कम से कम 7,000 रुपये मैंने कबूतर खरीद कर लाए थे, और सारे के सारे भाग गए, उड़ गए। मैं आपको प्रीफर करूँगा दोस्तों बड़ा कबूतर लाकर ही पालें, छोटे बच्चे कबूतर पालने की शुरुआत ना करें। कहने का मतलब है कबूतर के जो बच्चे होते हैं उसे खरीद कर आप पालने की शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों। कबूतर के जो बच्चे होते हैं वह ज़्यादातर मर जाते हैं, क्योंकि वह खाना नहीं खाते हैं, दाना पानी नहीं खाते हैं, इसके कारण वह कबूतर मर जाते हैं। इसीलिए आप प्रीफर मैं आपको करूँगा कि ये बड़ा कबूतर ही खरीद कर लाएँ, और उसके पंख निकाल दीजिए, और 2 महीने बाद आपके पंख आ जाएंगे,
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि यह कबूतर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैंने जो कबूतर के पंख निकाले ये वही कबूतर है, मैं इसको फिर से उड़ा के दिखा रहा हूँ, यह उड़ पाता है कि नहीं उड़ पाता है आपको विश्वास हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये उड़ नहीं पा रहा है, अब सिर्फ दाना पानी इसको आप खिला दीजिए अच्छे से, और इसको अच्छे से जहाँ रखते हैं आप उसको रख दीजिए, बिल्ली से बचा कर रखिए दोस्तों। और यह कबूतर आपका बहुत ही अच्छे ढंग से 2 महीने में घर को पहचान जाएगा, और आपका कबूतर कभी नहीं भागेगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आप सभी को दिल से धन्यवाद।